मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। इस देह का मालिक इस देह को चलाने वाली मैं एक शक्ति हूं। भ्रुकुटी के मध्य में मैं विराजमान हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं अकाल मूरत हूं। अपने अकाल तख्त पर विराजमान मैं अपने कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। मैं आत्मा सात गुणों का पुंज ज्ञान पवित्रता शांति सुख प्रेम आनंद और शक्ति इन सातों गुणों से मैं आत्मा संपन्न हूं। इन गुणों की किरणें मुझ आत्मा से प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा एकदम हल्का हूं। अति सूक्ष्म सितारा हूं। देखिए अपने आप को,
भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, भ्रुकुटी के मध्य से इन सातों गुणों की किरणें चारों ओर प्रवाहित कर रहा हूं। अपने आंतरिक गुणों को महसूस करके मैं अत्यंत हल्कापन अनुभव कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने शरीर का भान भूलता जा रहा हूं। मैं डिटैच्ड हूं, इस शरीर से न्यारा हूं। महसूस करें इस शरीर से अलग मैं आत्मा अपने फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होता हूं। लाइट के शरीर में मैं आत्मा भी लाइट, एकदम हल्कापन, मैं अपने डबल लाइट स्थिति को अनुभव कर रहा हूं। अपने शरीर से अलग होकर
मैं आत्मा अपने प्रकाश स्वरूप के शरीर में असीम शांति का अनुभव कर रहा। ये शांति, ये हल्कापन मुझे धीरे धीरे इस स्थूल दुनिया से दूर सफेद लाइट की दुनिया में ले जा रहा है। फरिश्तों की दुनिया में, सूक्ष्म वतन में मैं आत्मा पहुंच जाती हूं। ये सूक्ष्म वतन पवित्रता से भरपूर है। सफेद चांदनी सा प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। इस वतन का अनुभव करते मैं देखता हूं कि एक चमकता हुआ फरिश्ता दूर से मुझे इशारे से बुला रहा है। मैं नजदीक पहुंचता हूं। और देखता हूं संपूर्णता का स्वरूप अव्यक्त बाप दादा लाइट के कमल आसन पर विराजमान है। अपनी दृष्टि से मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। मैं भी बाप दादा की तरफ खींचा चला जाता हूं। इस दृष्टि में रूहानियत है। पवित्रता है। बाबा की ये दृष्टि एक सेकंड में मेरे सारे बोझ
एकदम हल्की कर रही है। बाबा के सम्मुख और एक लाइट का कमल आसन है। बाबा इशारा देता और मैं उस आसन पर विराजमान होता। यह आसन साक्षी दृष्टा का आसन है। मैं फरिश्ता अपने रोल से अपनी पुरानी देह की दुनिया, पुराने संबंधों से एकदम डिटैच हो जाता हूं। इस साक्षी दृष्टा की स्थिति से मैं फरिश्ता अपने पूरे जीवन की गाथा देख रहा हूं। बाबा की पावरफुल दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। और अत्यंत हल्की स्थिति में मैं ड्रामा के वो सीन्स देख रहा हूं। वो परिस्थितियां देख रहा हूं जिनकी वजह से मुझे कभी न कभी बहुत दुख हुआ था। लेकिन अब साक्षी दृष्टा की स्थिति से मैं अनुभव करता हूं कि हर परिस्थिति जो मेरे जीवन में आई थी वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई थी। उसका बाहर का रूप भले अकल्याण का दिखाई देता, लेकिन अभी समझ में आ रहा है हर परिस्थिति में कुछ न कुछ कल्याण
समाया हुआ है। हर परिस्थिति मेरे लिए एक टीचर है। मुझे आगे बढ़ाने का साधन, इसीलिए साक्षी दृष्टा की इस स्थिति से मैं हर परिस्थिति का धन्यवाद करता हूं। क्योंकि वो मुझे आगे बढ़ाने के निमित्त बनी। वैसे ही इस स्थिति से मैं हर उस व्यक्ति को देखता हूं जिनकी वजह से कभी न कभी मैं परेशान हुआ था, मैं दुखी हुआ था। लेकिन बाबा का साथ और साक्षी दृष्टा स्थिति मुझे अनुभव करा रही है कि हर वो व्यक्ति जिनके कर्मों से मैं कभी न कभी परेशान हुआ, वो व्यक्ति सिर्फ मुझे आगे बढ़ाने के निमित्त बना। किसी ने मुझ में सहन शक्ति बढ़ाई तो किसी ने धैर्यता, किसी की वजह से मुझ में गंभीरता आई तो किसी की वजह से धीरज।
तो हर एक आत्मा मुझे आगे बढ़ाने के निमित्त बनी। अगर ये न होते तो मैं परमात्म प्यार की अनुभूति कैसे कर सकता। बाबा के नजदीक लाने के ये सभी आत्माएं निमित्त बनी। इसलिए आज साक्षी दृष्टा की स्थिति से मैं हर उस आत्मा को धन्यवाद करता हूं जो हमेशा जाने अनजाने में मुझे आगे बढ़ाने के निमित्त बनी। हर एक आत्मा अपने हिसाब से सही थी। कोई भी गलत नहीं था। इसीलिए आज मैं आत्मा इन सब बोझ से मुक्त होता हूं, हल्का होता हूं। हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी जन्म में, जो मुझे हमेशा आगे बढ़ाने के निमित्त बने, मैं आज दिल से धन्यवाद करता हूं। हर उस आत्मा को
अपने सामने इमर्ज कर दिल से दुआ देता हूं कि अगर आप नहीं होते तो मैं प्रभु प्यार का अनुभव कैसे कर पाता। अपने पिता से कैसे मिल पाता। उन सभी आत्माओं का धन्यवाद करके सभी बोझों से मैं फरिश्ता एकदम मुक्त हो रहा हूं, अत्यंत हल्का हो रहा हूं। बाबा मुस्कुरा रहा है, बाबा की वो रूहानी मुस्कान, पवित्र दृष्टि मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करा रही है। बाप दादा के सानिध्य में मैं फरिश्ता एकदम हल्केपन का अनुभव कर रहा हूं। अब बाबा मेरे सर पर हाथ रखता है और मुझे वरदान देता है। मीठे बच्चे, पवित्र भव, विश्व कल्याणकारी भव, बाबा के इस वरदान से मैं आत्मा विश्व कल्याण के अर्थ एक सेकंड में ग्लोब के ऊपर विराजमान होता हूं। वतन से बाप दादा की शक्ति की किरणें
मुझ फरिश्ते पर बढ़ रही है और मैं फरिश्ता अपने अंग अंग से वो शक्ति की किरणें चारों ओर फैला रहा हूं। मुझ फरिश्ते से निकली हुई इन शक्ति की किरणों से चारों ओर की आत्माओं को शक्ति का अनोखा अनुभव हो रहा है। इन शक्ति की किरणों से मैं दैवी कुल की आत्माओं का आवाहन कर रहा हूं। बाप दादा, मुझ निमित्त द्वारा एक सर्च लाइट सारे विश्व को दे रहा है। मैं विश्व के ग्लोब पर एक लाइट हाउस की तरह स्थित हूं। अनेक दैवी कुल की आत्माएं जो अभी भी खुद को नहीं जानती, जो भटक रही है, सुख शांति को ढूंढ रही है, अपने पिता को ढूंढ रही है, बाबा के सानिध्य में मैं लाइट हाउस उन सभी आत्माओं का आवाहन कर रहा हूं। मुझसे निकला हुआ प्रकाश विश्व के सभी आत्माओं पर पड़ रहा है। लेकिन सिर्फ दैवी कुल की आत्माएं ही उस प्रकाश को अनुभव कर रही हैं। उनमें छिपे हुए
दैवी गुण इमर्ज हो रहे हैं। जैसे कि कोई उन्हें बुला रहा है कि जागो, अभी समय है अपने पिता से मिलने का, अपना वर्षा पाने का। और सारे विश्व में ये सभी आत्माएं अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर खींची हुई चली आ रही है। ये सब आत्माएं बाबा के घर में पहुंच गई है। बाबा की अनुभूति कर रही है और अपने दैवी गुणों को इमर्ज कर रही है। सभी आत्माएं भारत में या चाहे विदेश में जागृत हो रही है। अपने में पवित्रता को धारण कर हर ये आत्मा पवित्रता की लाइट चारों ओर फैला रही है। सारे विश्व में ये पवित्रता की लाइट सृष्टि परिवर्तन का आधार बन रही है। मैं फरिश्ता इस दृश्य को देखकर बहुत हर्षित हो रहा हूं। मेरे बिछड़े भाई बहन अपने पिता से मिल रहे हैं। दुखों की दुनिया को भूल सुख की अनुभूति कर रहे हैं।
ये दृश्य देखकर सिर्फ यही संकल्प चल रहा है कि अब हमारा राज्य आया कि आया, विश्व में शांति और सुख का राज्य अब आया कि आया। बाबा का लाख लाख शुक्रिया है जो उन्होंने मुझे इस निमित्त बनाया। मैं अन्य दैवी कुल की आत्माओं को जगा सकूं, उनका आवाहन कर सकूं। सभी आत्माएं सिर्फ अपने पिता की महिमा कर रही है। सभी की उंगली सिर्फ एक की तरफ इशारा कर रही है। कि भगवान सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। सुख शांति का रास्ता सिर्फ यही है। Thank you.
शिव बाबा वो हमारा यही है, यही है, यही है, यही है। जिसे दिल से पुकारा यही है।